Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आप एक न्यू थीम सर्च कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको तीन प्रीमियम थीम सजेस्ट करने वाला हूँ। अगर आपको थीम्स और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 13 के लिए अगर आप एक न्यू थीम सर्च करें तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जाएगा इस थीम को डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद जाएगा इसका गूगल का फोल्डर में, तो इसमें आपको काफी क्लीन और बोल सकते हैं आपका पेड एक आइकन पैक आपको देखने को मिल जाता है। गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन, साथ ही साथ आपका टूल्स का फोल्डर, सभी जगह में इसमें आपका आइकन चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। दो चार आइकन मिसिंग भी देखने को मिलता है। विजेट वॉलपेपर काफी क्लीन और काफी मिनिमल है। कंट्रोल सेंटर में आजकल टॉगल्स MIUI 13 के साथ ज्यादातर चेंज नहीं होता। अगर आप जाएगा इसका सेटिंग्स में तो सेटिंग्स पे आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। आपका सेटिंग्स का सभी टॉगल्स चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर डार्क मोड यूज़ कर रहे हो तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड लाइट मोड के साथ व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। अगर आप चाहिए इसका अबाउट फोन में या ऑल स्पेक्स में तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। लुक वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे कि इसका एडिशनल सेटिंग्स में तो एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो लुक वाइज कलर वाइज आपको ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहिए इसका डायलर मैसेजेस आप तो वो आपको चेंज नहीं देखने को मिलता है, जो कि आजकल ज़्यादातर कोई भी थीम्स में चेंज नहीं होता है। जो भी थीम्स में गूगल डायलर और मैसेजेस ऐप है, मतलब जो भी फोन्स में, वो थीम्स चेंज नहीं होता है। अगर आप जाएगा इसका वॉल्यूम स्लाइडर तो वो भी चेंज थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। और अगर आप जाएगा इसका लॉक स्क्रीन में तो लॉक स्क्रीन में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। आपको सिंपल सा विजेट देखने को मिलता है, डिफॉल्ट विजेट है। MIUI 12.5 और 13 में ही देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ चेंज इसमें हुआ नहीं, जो कि होना चाहिए था लॉक स्क्रीन में। और अगर आपको ये सिंपल और क्लीन थीम चाहिए तो इसके लिए आप जा सकते हैं थीम स्टोर में, सर्च कीजिए स्लीपिंग, जैसे आप सर्च कीजिएगा स्लीपिंग आपको ये थीम मिल जाएगा। जाइए डाउनलोड मारिए, अप्लाई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगे फर्स्ट थीम स्लीपिंग। आई होप आपको ये थीम पसंद आया हो। काफ़ी क्लीन और काफ़ी सिंपल सा थीम है, मतलब चेंजेस है बट हाँ उतना ज़्यादा फंकी चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, जो कि आपको अगर आपको ऐसा कुछ थीम चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जाएगा इसका सेकंड थीम देखिएगा वीडियो का तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसमें आपको आइकन्स देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको काइंड ऑफ पर्पल और ब्लू जो है ग्रेडियंट के साथ आपको आइकन्स देखने को मिलता है। गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन, साथ ही साथ आपको टूल्स का फोल्डर। इस आइकन पैक में आपको एक भी आइकन्स मिसिंग नहीं देखने को मिलता है। विजेट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। वॉलपेपर भी आपको पर्पल, सभी आपको पर्पल ब्लू और पिंक ग्रेडियंट में देखने को मिलता है। अगर आप जाएगा इसका कंट्रोल सेंटर में तो कंट्रोल सेंटर में भी आपका टॉगल्स चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन में अगर आप जाएगा इसका सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। सभी आपका इसमें टॉगल्स चेंज हो जाता है, कलरफुल टॉगल्स आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर आप इसमें डार्क मोड अनेबल कीजिए तो ब्लैक बैकग्राउंड, लुक वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर आप जाएगा इसका अबाउट फोन में तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपका ऑल स्पेक्स में भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो लुक वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है। ओवरऑल इसमें आपको चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है डिस्प्ले या ये सब जगह में, मतलब कि UI में चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, बट आपको एडिशनल सेटिंग्स में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो है आपका जेस्चर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। नेविगेशन जेस्चर भी बहुत सारा फोन्स में चेंज हो रहा है, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। डायलर मैसेज आप चेंज नहीं होता है। आपको वॉल्यूम स्लाइडर में नया कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत चेंजेस है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहिए सर लॉक स्क्रीन में तो लॉक स्क्रीन में आपको MIUI 6 जैसा लुक के साथ आपको जो इसमें पूरा UI देखने को मिलता है, जो कि आपको सेम विजेट देखने को मिलता है और आपको सेम म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लुक याद है, अगर आप बहुत पहले से MIUI यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये याद होगा। तो काफ़ी लुक जो है क्लासिक वाला है, जो कि अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। थीम मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा जुगैंडर, जो कि अजीब सा नाम है, जुगैंडर, तो सर्च कीजिए JUGADORIZV13 सर्च कीजिए। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरे से, तो बस ये नाम जो कि आपको देखने को मिल रहा है JUGADORIZV13 सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगे थीम। थर्ड थीम थोड़ा सिंपल है बट इसमें आपको लॉक स्क्रीन काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। अगर आप जाएगा थर्ड थीम का गूगल का फोल्डर में आइकन्स देखिए तो आइकन्स आपको थोड़ा सा जो है मतलब वियर्ड देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन और टूल्स का फोल्डर सभी जगह में आपको सिमिलर आइकन्स देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा इसका लॉक स्क्रीन में, सेटिंग्स और आपका कंट्रोल सेंटर में ना के बराबर चेंजेस है, जो कि ये क्रिएटर जो है थीम क्रिएटर ऐसे डिज़ाइन करता है। अब मुझे नहीं पता क्यों इनकम्प्लीट थीम से लोग डिज़ाइन करता, बट लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉगल्स देखने को मिल जाता है। बीच में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि अंडर डिस्प्ले वाला जो है लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको फ़ोन को दे सकता है। तो अगर आपको कस्टमाइज़ करना थीम को तो ये थीम आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली इसका लॉक स्क्रीन अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
और अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा बिजनेस स्पेस फिंगर। जैसे आप सर्च कीजिएगा बिजनेस फिंगर तो आपको ये थीम मिल जाएगा। जाइए सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये बिजनेस फिंगर। आई होप आपको तीनों थीम्स इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा डिफरेंट थीम्स है तीनों ही, अलग अलग लुक और जो अलग अलग UI चेंजेस के साथ देखने मिलता है। लास्ट थीम आपको इंटरेस्टिंग लॉक स्क्रीन देखने मिलता है। तो आई होप आपको थीम्स पसंद आया होगा। थीम्स पसंद आया तो ऑब्वियसली आपको पता ही क्या करना है, पहले जाना होगा वीडियो को लाइक मारना होगा। वीडियो में लाइक एम कितना रखते हैं, चलिए 120 रखते हैं, कंप्लीट कीजिए इस बार। 120 लाइक्स का उम्मीद है, कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी कर सकते हो। तो 120 लाइक्स कंप्लीट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल में रखिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। नीचे कमेंट कीजिए कुछ भी, हाय हेलो कुछ भी कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल कुछ जिससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। टॉपिक आएगा इंटरेस्टिंग तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।